नमस्कार दोस्तों, आर्किटेक्चर में आपका स्वागत है। मैं हूं सनी सिंह और आज हम ओपन करने वाले हैं रेडमी शियोमी रेडमी 3S जिसका नाम है। तो चलिए शुरू करते हैं, हम इसका ओपन करते हैं बॉक्स। देखते हैं कि इसके अंदर फोन आता है या ईटे आती है। तो चलिए पहले हम यहाँ से ओपन करेंगे, चाबी से हम यहाँ से ओपन करेंगे। तो हमने कर लिया है यहाँ से ओपन और यहाँ से भी थोड़ा फाड़ लेते हैं। अंदर आया है Xiaomi का बॉक्स। तो आप देख सकते हैं कि ये बॉक्स आया है इसके अंदर। अब हम ओपन करेंगे ये बॉक्स को। तो ये थैली को हमने उतार लिया है। इस थैली पे ये टैग लगा हुआ है, आप देख सकते हैं 32 GB इसके अंदर इंटरनल स्टोरेज है और गोल्ड कलर का है। चलिए ओपन करते हैं। ये है हमारा Redmi Xiaomi, ये यहाँ से मुझे रखा। अच्छा, इसको ओपन करने के लिए तो ये है हमारा बेसिकली फ़ोन। तो आप देख सकते हैं इस फ़ोन को, मैं हालांकि ये पहले इसका कवर नहीं उतारूंगा, लेकिन आप देख सकते हैं ये फ़ोन के पीछे कुछ वार्निंग्स लिखी हुई है क्योंकि प्रीमियम फ़ोन है और फिंगरप्रिंट सेंसर आ गया है इसके अंदर। ऊपर की तरफ IR ब्लास्टर दे रखा है और यहाँ के 3.5 mm जैक, यहाँ पे माइक दे रखा है, यहाँ पे वो USB चार्जिंग पोर्ट दे रखा है। काफ़ी अच्छा ग्लोसी फिनिश है इस फ़ोन का। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं, आगे देखते हैं आगे क्या है फ़ोन में। तो हम फ़ोन को रख देते हैं साइड में। अंदर देखा जाएंगे तो ये अपने वो मैनुअल बुक्स आई है कुछ कि आप फ़ोन को कैसे यूज़ कर सकते हैं। इसको भी ओपन करते हैं। तो इसको हमने ओपन कर लिया है। इसके अंदर आइए कुछ, ये है आपका सिम एजेक्टर टूल। तो आप देख सकते हैं सिम हाइब्रिड सिम स्लॉट इसके अंदर आपको मिलता है। मैं आपको भी सिम एजेक्ट करके बताऊंगा। तो ये है आपका सिम एजेक्टर टूल। आइए देखते हैं, इसके साथ आया है चार्जर। अच्छा, काफ़ी अच्छा चार्जर है, लेते हैं। देखिए ये आपके चार्जर की डिटेल्स आ गई इधर, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं, इसके अंदर आती है एक डाटा केबल। तो ये डाटा केबल वही नॉर्मल डाटा केबल है, इसको ओपन करके दिखा देता हूँ मैं आपको। तो ये भी एकदम पैक आई है, नॉर्मल जो डाटा केबल होती है वो आई है। फिर से एक ईयरफोन नहीं है और बस यही था बॉक्स के अंदर। अब मैं आपको Xiaomi का फ़ोन ऑन करके बताता हूँ। तो ये फर्स्ट ऑन है, जेन्युइन ऑन है, ठीक है। यहाँ से बटन दबाता हूँ और ये ऑन हो चुका है। चलिए आप देखिए इसको ऑन होता है। जैसे मैं सिम इजेक्टर टूल को यहाँ से बाहर निकाल लेता हूँ, ये आएगा इस तरह कुछ बाहर। ये आ गया आपका सिम इजेक्टर टूल। कोई बात नहीं, आप देख सकते हैं ये फ़ोन स्टार्ट हो गया है। यूनाइटेड स्टेट हम लेंगे, लैंग्वेज फोकस आ गया, ठीक है। नेक्स्ट करेंगे, यहाँ से आप अपनी कंट्री को सिलेक्ट कर सकते हैं। इंडिया 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 इंडिया, ये आ गया इंडिया। नेक्स्ट करेंगे, इसके अंदर नहीं लिखा। चलिए नेक्स्ट करते हैं, आगे देख लेते हैं, मैं बता देता हूँ आपको कैसे सेटअप करना है। तो इसके अंदर आपसे कीबोर्ड पूछ रहा है, मैं गूगल का कीबोर्ड यूज़ करना चाहूँगा। यहाँ शिफ्ट की नेक्स्ट करते हैं। वाईफाई यहाँ पे बहुत सारे आ रहे हैं, ये मेरा ऑफिस का वाईफाई है तो मैं स्किप कर देता हूँ अभी। इसकी टर्म्स एंड कंडीशन मैं एग्री कर देता हूँ और ये सेटअप हो रहा है। चेक अगेन, कंटिन्यू कर देता हूँ। सिम का पूछ रहा है क्योंकि सिम नहीं डाली है। गॉट ए गूगल, नो। अभी मैं इसको फिंगरप्रिंट सेंसर, नेक्स्ट, पासवर्ड, पिन और पैटर्न लगा देता हूँ। मैं पैटर्न छुपा के लगाऊंगा आपसे थोड़ा। तो जैसे कि देख सकते हैं आप, मैंने ये पैटर्न लगाया है, कंफर्म कर दिया। अब ये फिंगरप्रिंट सेंसर मांग रहा है, ठीक है। तो मैं पीछे फिंगर दे रहा हूँ अपनी, ये देखिए, जैसे कि बस ऐसे ऐसे लगाता जा रहा हूँ मैं हर जगह, जहाँ जहाँ मैं टच करता हूँ, मैं जहाँ जहाँ तक अलग अलग शेप से दे रहा हूँ मैं। साइड से, कोने से, तो ये हो गया डन। तो ओके करते हैं इसको।
लोकेशन हमारी आ गई है, ठीक है कोई बात नहीं, नेक्स्ट कर देते हैं। एग्री एग्री कर देते हैं, इम्प्रूव लोकेशन। अब हम इसमें से थीम सेलेक्ट करेंगे, शियोमी कौन सी थीम हमको अच्छी लग रही है, तो हम डिफ़ॉल्ट थीम सेलेक्ट करेंगे अभी। और यूडी रेडी, ओके रॉक। तो आप देख सकते हैं कि ये ऑन हो रहा है। चलिए सिम इजेक्टर टूल को लेते हैं, बस एक प्रेस करना था और ये आ गया आपका बाहर। ये हाइब्रिड सिम स्लॉट है, देख सकते हैं आप, चाइना का इसके अंदर मार्क लगा हुआ है। यहाँ से हम दो सिम लगा सकते हैं या एक मेमोरी कार्ड और एक सिम लगा सकते हैं। तो इसमें मैं अपनी जियो की सिम डालूंगा। तो मेरा सजेशन यही रहेगा आपके लिए कि आप जैसे ये फ़ोन खरीदे उससे हाथों हाथ ग्लास लगवा लें, क्योंकि इसके अंदर सिम उसके बारे में कुछ नहीं दिया गया है कि इसके अंदर कौन सा ग्लास प्रोटेक्शन है। इसके अंदर से ये भी नहीं उतारा है मैंने, थैली आई है। ओके तो आपका फोन हो चुका है ऑन। ये आ गया आपका ओएस, तो ये इसमें बोल रहा है पिंच टू एडिट, जैसे आप ऐसे पिंच करेंगे ना तो एडिट हो जाएगा ये, ठीक है। तो ये आ गया है आपका न्यू रेडमी 3, देख लीजिए, इसको यहाँ से मैं उतार देता हूँ। ओके तो क्या है, तो मैं कैमरा ऑन कर देता हूँ। ये कैमरा एक्सेस मांग रहा है, तो ये आपका कैमरा हो गया। तो कैमरा काफ़ी अच्छा कैमरा है इसके अंदर। तो ये था दोस्तों शियोमी रेडमी 3S का रिव्यू। मेरी वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। आने वाली वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपको कैसा लगा नीचे कमेंट में आप बता सकते हैं रिव्यू। तो ये बेटर फ़ोन है, मैं आपको बताऊँगा आने वाले टाइम में, और इसकी खामियाँ और इसकी खासियतों के बारे में। तो इसके साथ मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिए अगर आपको ये रिव्यू पसंद आया हो। और आरएस टेक्सचर को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, वंदे मातरम।